हेलो, गुड मॉर्निंग राधे राधे। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड, केदार घाटी, एक छोटे से गांव रैलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं यहां बांध के पेड़ के पीछे से कर रही हूं, क्योंकि घास के लिए आ रखी हूं। और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूँ मैं आज का। और केदार घाटी का मौसम अच्छा है, सुहावना है, अच्छी धूप भी खिली हुई है। और यहाँ सारे बांझ के पेड़ हैं, और यहाँ खेतों के ऊपर है इतने सारे बांज के पेड़। तो ये पेड़ हमारे हैं। और मोनिका नीचे लकड़ी काट रही है और मैं घास काट रही हूँ। एक पुली तो मैंने काट दी है, वहाँ पर बांध रखी है। और यहाँ पर है मेरी दरांती और घास, तो यहाँ से काट रही हूँ मैं घास को। तो अब ये एक बार तो काट दिया ये घास, और दोबारा हो रखा है ये घास। तो आज मैं इस घास को काटूँगी यहाँ से और वहाँ तक काटूँगी, क्योंकि 10 भी बज गई है और धूप भी हो रही है और घर जाना है जल्दी। और 10 बज गई है और अब घास काटते हैं, तब मिलते हैं आप लोगों को। और इस साल तो पूरी यहाँ तबाही हो रखी है, तो रास्ता भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से आए नीचे खेत से ऊपर यहाँ घास के लिए। और नीचे भी ऐसा हो रखा है कि पूरा तहस नहस हो रखा है, खड्डे गड्ढे हो रखे यहाँ पूरे घास की चारी पर भी। हमारी घास की चारी नहीं है, ये हमारे खेतों के बगली में है ये, तो यहीं से काटूंगी मैं आ घास। हेलो, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे? मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, हम आ रखे हैं खेत में। मैंने लकड़ियों की भारी लगा के उधर साइड रख दी है और मेरी मम्मी ने काटा घास। तो दोनों हम आ रखे हैं, एक लकड़ी के लिए, एक घास के लिए। और मेरी मम्मी ने ना 5-6 पूली घास की भी निकाल दी है। अब भारी लगाएंगे, अब चलते हैं घर। पहाड़ों में घास की जो भारी होती है वो ऐसे लगाई जाती है, तो मम्मी यहाँ पे घास की भारी लगाने लग गई है। और मंदाकिनी नदी पे इतने ज़्यादा पत्थर आए बरसात में सारे। आजकल नदी उधर जा रही थी, थोड़ा गहरे की तरह बन रखी है मंदाकिनी नदी। मोनिका तो ऊपर चली गई है और यहाँ पर अभी तक धूप नहीं आई, 12 बज गई है। और ये है हमारे घर जाने का रास्ता और गांव का रास्ता, एक ही रास्ता है। और अभी है यहाँ पर पूरी धूप ही नहीं लगी, ठंडा हो रहा है यहाँ पर। तो ठंडियों की टाइम पर 1-2 बजे आती है यहाँ पर धूप। यहाँ पर है ये बसा, तो हाथ करता है ना ये, तो ये भी दवाई के काम आता है। यहाँ पर बहुत सारा हो रखा है ये। घर पर भी पहुंच गई हूं मैं। घर आके मैंने गाय भैंसों को पानी पिलाया और चारा पत्ती डाला गाय भैंसों के पास। और अब बनाती हूं मैं दिन का लंच। दिन का लंच में बनने वाला है राजमा दाल और चावल। और गैस में रखी है मेरी राजमा दाल, कुकर पर रखा है मेरे चावल, तो चावल भी पक गए। और लंच बनाया, लंच किया और लगी रही घर पर काम हुआ, पता ही नहीं चला। 5 का बज गई और अब जाती हूँ गौशाला, गाय भैंसों को अंदर बांधती हूँ, फिर किचन गार्डन में जाती हूँ। पहले चाय भी नहीं पी अभी, थोड़ा चाय भी बनाती हूँ। और गुड़
वाली चाय बन के भी तैयार हो गई है। इसमें डाला है पानी, चाय पत्ती और दूध, और ये है भैंस का दूध, पियर दूध घर का, और अब पीती हूँ गुड़ वाली। गांव की धूप भी चली गई है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है चारों तरफ, और 5 भी बज गई है, गौशाला का टाइम भी हो गया है। आजकल केदारनाथ घाटी में कपाट बंद भी हो गए हैं, सुनसान हो रखा है, खेतों में गेहूँ भी अच्छे हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, और जो मंदाकिनी का जलस्तर है बहुत कम हो गया आजकल, और चारों तरफ सूखा सूखा दिखाई दे रहा है क्योंकि पहाड़ियों का जो घास है ना पूरा सूख गया है, और अब हरे हैं चीड़ के पेड़, पूरा चट्टानों का घास भी ऐसा हो रखा है हमारे गांव के ऊपर, ऐसे बड़े बड़े चट्टान है हमारे गांव के ऊपर। यहाँ पर मेरे ये एलोवेरा लगा रखा है, तो ये पौधा भाई ऐसे फूल आ रखे हैं, पूरा ये है कंटार पर लगा रखे हैं मेरे, तो बहुत सारे आ रखे हैं यहाँ पर। और संतरे भी पक गए हैं हमारे गांव में, इस पर तो बहुत सारे संतरे लगे हुए हैं। और अब चलती हूँ मैं गौशाला गाय भैंसों से दूध निकालने, तो भैंस तो मेरी बहुत देर में देती है दूध, 5 बजे चली जाती हूँ मैं, और 7 बजे देती है मेरी भैंस दूध, तो मैं चलती हूँ गौशाला। रात के डिनर के लिए मैंने रखी है दाल, गौशाला से भी आ गई हूँ मैं दूध निकाल के गाय भैंसों को चारा पत्ती डाल के। आजकल ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जल्दी हम अंदर बांध रहे हैं गाय भैंसों को, और अब बनाते हैं रात की डिनर। और रात के डिनर में बनने वाला है दाल और हरी सब्जी और गेहूँ की रोटी। और आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड, बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो।